नमस्कार, मैं अंजलि चौधरी। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अखिलेश के करीबी पवन पांडे पार्टी से बर्खास्त, आशु मलिक को चाटा मारने का आरोप। लापता नजीब के बाद अब जेएनयू में मणिपुर छात्र का मिला शव। भारत में बिजनेस करना अब आसान नहीं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में मिला 130वां स्थान। दिवाली से पहले दिल्ली में पकड़ी गई नकली मिठाइयों की फैक्ट्री। अमानतुल्ला फिर विवादों में, विधायक व समर्थकों पर मारपीट का आरोप। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में 23 घंटों से फायरिंग, भारतीय एएसआई घायल, बीएसएफ ने मार गिराए 3 पाक सैनिक। फिर दिखा लालू का हेमा प्यार, कहा हेमा मालिनी के नाम पर रखा था बेटी का नाम। भ्रष्टाचार के आरोप से बरी हुए येदुरप्पा, 40 करोड़ घूसखोरी मामले में सीबीआई कोर्ट ने दी क्लीन चिट। रांची में भारत न्यूजीलैंड का चौथा वनडे आज, सीरीज पर कब्जा करने उतरेगी टीम इंडिया। जनकपुरी से मेकअप आर्टिस्ट अगवा, 5 आरोपी गिरफ्तार, 2 करोड़ रुपए की थी मांग। अब चलते हैं खबरों के विस्तार की ओर। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी में पड़ी टूट की। राम गोपाल के बाद अब समाजवादी पार्टी में अखिलेश के करीबी मंत्री पवन पांडे को भी पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। शिवपाल ने ये मांग की है कि उन्हें मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त कर दिया जाए। आपको बता दें कि पवन पांडे पर आशु मलिक को चाटा मारने का आरोप है। हालांकि इस पर पवन पांडे की तरफ से माफी मांगी जा चुकी है, पर पार्टी ने निर्णय लिया है कि 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाए। चुनाव आने वाले हैं, पर मुलायम परिवार में युद्ध सुलझने का नाम नहीं ले रहा। अगली खबर है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने मोदी सरकार के विकास के दावों पर आघात पहुंचाया है। वर्ल्ड बैंक की सालाना रिपोर्ट में भारत आसानी से बिजनेस करने वाले देशों की रैंकिंग में 130वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने निर्माण परमिट, कर्ज हासिल करने और अन्य मामलों में कोई सुधार नहीं किया है। वहीं केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए हैं। पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों का सबूत दे रहा है। जम्मू कश्मीर में पाक की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। मंगलवार रात से 23 घंटे चली इस फायरिंग में बीएसएफ के एएसआई घायल हो गए। भारत की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया, जिसमें पाक सेना की 5 से 6 चौकियां बर्बाद हो गई, साथ ही 3 सैनिक भी मार गिराए। अब खबर जेएनयू से, जहां पिछले दिनों नजीब के गायब होने पर कैंपस गरमाया हुआ है और नजीब का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। वहीं अब जेएनयू के ब्रह्मपुत्र हॉस्टल से मणिपुर छात्र का शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि छात्र पिछले 3 दिनों से गायब था। अब छात्र की लाश हॉस्टल के कमरे से मिली है। मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। खबरों के सफर में बस इतना ही, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।